इंदौर नगर निगम द्वारा पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी से बनाए गए गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 100 से ज्यादा वैकल्पिक तालाबों का निर्माण किया गया था, जिसके तहत शहर भर में निगम द्वारा एकत्रित किए गए गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जवाहर टेकरी स्थित तालाब पर एक कुंड बनाकर सभी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इंदौर नगर निगम की ओर से गणेश चतुर्थी के अवसर पर घरों और पंडालों में विराजित किए गए भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए शहर भर में वैकल्पिक तालाबों की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा कई जगह भगवान गणेश का प्रतीकात्मक विसर्जन कर शहर के बाहर विसर्जन करने के लिए निगम का अमला अनंत चतुर्दशी के दिन से ही तैयारियों में जुटा हुआ था। शहर के विभिन्न स्थानों से एकत्रित किए गए गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए निगम के वाहनों से जवाहर टेकरी स्थित तालाब पर ले जाया गया, जहां निगम की ओर से सभी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विसर्जन के बारे में जानकारी देते हुए निगम के शंकर यादव ने बताया कि निगम की ओर से विसर्जन के लिए मूर्तियों को एक जगह इकट्ठा किया गया और सोमवार को जवाहर टेकरी तालाब में विसर्जित कर दिया गया। जैसा कि आदेश है एनजीटी का, उसके आदेश का पालन नगर निगम इंदौर पिछले 15 वर्षों से कर रहा है और शहर के 82 स्थानों पर हम गणेश जी की प्रतिमा जो आम जनता है शहर की वो विसर्जित करती। जैसे पहले आपने देखा था कि जो तालाब है हमारे, सिरपुर तालाब हो, पिपलिया पाला हो, बिलावली तालाब हो, यहाँ तालाबों में गणपति की प्रतिमाएं विसर्जित होती थी। तो ये जो गणपति की प्रतिमा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर में मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं ही बने और उनके ही पूजन हो, परंतु उसके बावजूद भी पीओपी की प्रतिमाएं आप देख रहे हैं, यहाँ सैकड़ों की तादाद में पीओपी की प्रतिमा आई है। तो ये पीओपी की प्रतिमा है, इस पर जो रासायनिक कलर होते हैं, इन कलर के चेयर जो हमारे यहाँ पानी भी प्रदूषित होता है और जो पानी में विचरण करने वाले जीव जंतु हैं वो भी इससे उनको भी नुकसान होता है। तो उन सबकी दृष्टि से हमने जो एनजीटी के निर्देश है उसका पालन करते हुए हमने शहर में 82 स्थानों पर गणेश जी की प्रतिमा इकट्ठा की है और यहाँ पर हम, आपने देखा है, पूरे विधि विधान से उन प्रतिमाओं का विसर्जन हम यहाँ पर जो देख रहे हैं आपकी, हमने तालाब के अंदर बरसादी भी बिछाई है और उसके अनुसार हम सारी जो मापदंड है उसके अनुसार यहाँ का गणेश जी का विधि विधान से विसर्जन करते हैं।